हबीबा, अरे ओ हबीबा, क्या है? इधर आ जल्दी से। दिया जला रही हूँ। दिया फिर जला लेना, आज तो अपने झोपड़े में चांद निकल आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हो? उठा कर ना लाता तो क्या इस नन्ही सी जान को मछलियों की खुराक बनने के लिए वहीं छोड़ा था? लेकिन तुम्हें मिल कहाँ से गया? अल्लाह की देन है, दरिया में चाल फेंका तो मछलियों के साथ ये भी आ गया। ना जाने किस बदनसीब माँ की गोद उजड़ी है। किसी ऊंचे घर का चिराग मालूम होता है। मुझे तो इन चिरागों को दिन की रोशनी में मेरे घर का उजाला लूट कर। बेगम, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, हो सकता मिला हमारा जूता? नहीं हजूर आदी, मलाहों ने मिलों तक दरिया में जाल फेंके, गोताखोरों ने तह की मट्टी तक छान डाली, मगर आपका जिगर गोशा न मिल सका। नहीं मिला, नहीं मिला मेरा लाल। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? एक मजबूर माँ के तड़पने का तमाशा देखने के लिए? चले जाओ यहाँ से, तोड़े ना मेरी नजरों के सामने से। सब्र करो बेगम, यूसुफ की खुशियां हमारे नसीबों में नहीं थी। की भी इज्जत होती है कासिम, मछलियां लूटते लूटते तुम्हारे हवस के हाथ इतने लंबे हो गए कि अब तुम गरीबों की इज्जत पर भी डाका डालने लगे। लेकिन याद रखो, जो पांव बुरी नियत से हमारी तरफ बढ़े हम उन्हें तोड़ देते हैं, जो हाथ हमारी आबरू पर उठे हम वो हाथ काट डालते। कमीनों बुस्ती लोग खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो? तलवार बात बनता है। क्या बात है कासिम? हजूरे आली, ये तो अवारा आदमी है, मैं गश्त पे था तो बिला वजह मुझसे झगड़ पड़ा। देखिए मेरा और मेरे सिपाहियों का क्या हाल कर दिया इस जलील आदमी ने। जलील तुम हो जो ताकत के नशे में गरीबों पर जुल्म ढाते हो और उनके खून पसीने की कमाई डकार लिए बगैर हजम कर जाते हो। खामोश बेअदब, मालूम नहीं इस वक्त तुम वजीर आजम के सामने खड़े हो। कासिम, मुल्ज़िम को सफाई पेश करने दो। नौजवान, हम जानना चाहते हैं तुम्हें सरकारी हुक्काम से उलझने की जरूरत क्यों महसूस हो? सरकारी हुक्काम जब अदल व इंसाफ की हदें तोड़कर जुल्म और सितम पर उतर आए तो कमजोर से कमजोर इंसान भी बगावत पर आमादा हो जाता है। ये झूठ कहता है सरकारे आली, ये वैसी दंडे की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मेरे सिपाही चुप रहो। उस दिन नाराज बार बार शिकस्त का एतराफ करके तुम अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हो। पूरे दस्ते के हमरा चमकती तलवारें और नेजे लिए एक निहत्ते नौजवान की शिकायत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूर हो जाओ यहां से। तुम
ठहरो नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। क्या करते हो? बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करता हूं ताकि छोटी मछलियां उनकी खुराक ना बन सके। लेकिन तुम सूरत से तुम्हें छेड़े मालूम नहीं होते। सूरतें अक्सर धोखा देती हैं हुजूर आली, ये हमारा खानदानी पेशा है, मेरा बाप भी मछेरा है। बहरहाल कानून से उलझने की बजाय तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मछलियां पकड़ते रहो, समझे जी। अपनी जवानी पर तरस खाओ और इन बागियाना ख्यालात को दिल से निकाल दो। कोशिश करूंगा। यूसुफ। जलाल, मुझे माफ कर दो मेरे जलाल, मेरी ही वजह से। काश मैं तुम्हें फिर से इंसान बना सकती, काश हम दोनों सामरी जादू करके कैसे रिहा हो सकते। वो भी एक कुत्ते से। तुम्हारे जादू ने इसे कुत्ता जरूर बना दिया है, मगर इस बेजबान के सीने में धड़कते हुए जलाल के दिल की धड़कने मैं आज भी सुन सकती हूँ। तुम्हारा जादू सिर्फ जिस्मों पर चल सकता है, रूह पर नहीं। परियों की शहजादी होकर आदमजात से प्यार करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो बुढ़ापे में मजबूत जवानियों को बर्बाद करने का खौफ देखते हो। बुढ़ापा जवानी से बदल सकता है? नामुमकिन, गुजरी हुई जवानी को तुम्हारा जादू भी वापस नहीं ला सकता। तिलिस्मी हीरा नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। लेकिन तिलिस्मी हीरे तक पहुंचना तुम्हारी ताकत से बाहर है। तुमने अभी सामने की मोहब्बत देखी, ताकत नहीं देखी। मैं तिलिस्मी हीरा हासिल करके रहूंगा, और हाँ, इस कमीने को मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये सब ना करो मुझ पर। जलाल को कुत्ता बनाकर भी तुम्हारे इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। हरगिज नहीं, मैं अपने रकीब को तुम्हारी आगोश में नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। हट जाओ साबरी, साबरी, रुक जाओ साबरी। सामरी के वास्ते, गुमराही के रास्ते, चलती खोपड़ी आ आ आ। सुन कीजिए मेरे आका, मुझे तिलस्मी हीरा चाहिए। तिलस्मी हीरा जिसके मुकद्दर में है, वो अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। कौन है वो खुशनसीब? शहजादा सुलेमान, जो शहजादी हूर बानों के बतन से पैदा होगा और 7 साल की उम्र में तिलस्मी हीरा हासिल करेगा। सलमान, शहजादी हूर बानों का बेटा?
अदब से डरो कासिम, मजबूरों पर सितम ढाना कोई बहादुरी नहीं है। किसी नामहरम का शहजादी आलिया को देखना जुर्म है। लेकिन ये तेरी शहजादी का हुस्न जमाल नहीं देख सकता जालिम, इसकी आंखों का नूर तो मुद्दत हुई लुट चुका है। कुछ भी हो, शाही सवारी को बाहिफाजत गुजारना मेरा फर्ज है। मेरे मामलात में दखल देने वाले तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये अपने गरीबान में झांक कर देखो, जहाँ मेरी तलवार के लगाए हुए जख्म अभी तक ताजा होंगे। मालूम होता है वजीर आजम की शह ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। नहीं बल्कि सालारी के ओहदे ने तुम्हें दरिंदा बना दिया है। बकवास बंद करो सिपाहियों। नौजवान किस बेजिगरी से लड़ रहा है, लेकिन साथ ही गुस्ताख। कहो इनसे कि अपनी तलवारें फेंक दें। तलवारें फेंक दो। आलिया को इस हंगामे की वजह से जो तकलीफ पहुंची है, गुलाम उसकी माफी चाहता है, लेकिन इसका जिम्मेदार आपका ये बेरहम सालार है, जिसने बिला वजह एक अंधे फकीर पर कोड़े बरसाए। इसके जुल्म और सितम हद से गुजर चुके हैं शहजादी साहिबा। ऐसे ही खुशामदी और मक्कार हुक्काम की वजह से हुकूमत बदनाम हो रही। यही लोग अदल और इंसाफ के दरवाजे पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। यही मजलूमों की फरियाद आपके कानों तक नहीं पहुंचने देते। असल हालात को सुल्तान आली के सामने गलत रंग में पेश करने वाले ये कानून के महाफिज ही हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे हैं। शहजादी साहिबा। चुप रहो कासिम। मेरे लहजे की तलखी शहजादी साहिबा को जरूर नागवार गुजरेगी, मगर जख्मी दिलों से गम की चीखें ही सुनाई दे सकती हैं शहजादी, खुशी के नगमे नहीं। गरीब रियाया इतने जुल्म सहकर भी आपका एहतराम ही नहीं, आपसे मोहब्बत करती है। बदनसीबी यह है कि हमारे और हुकूमत के दरमियान रेशम के बारीक पर्दे पड़े हुए हैं। काश ये पर्दे एक बार उठ जाएं, तो शहजादी अपने आवाम की असल सूरत देख सकेंगी। आदाब बजा लाता है। खुदा का शुक्र है कि आज भी इंसाफ पर्दे के पीछे ही सही, मगर मौजूद जरूर है। अब तुम क्या चाहते? अगर मैं चाहूं तो इसकी लाश शहर निगारा के गली कूचों में घिसटती नजर आए, लेकिन मैं इसका नापाक खून अपनी गर्दन पर लेने के बजाय आपके इंसाफ पर छोड़ता हूं। तुमसे इंसाफ किया जाएगा। डोली उठाओ। Thank you.
मिली आँखें, दिल दिल से जो टकराया वल्लाह मजा आया। आँखों से मिली आँखें, खुद अपनी ही हालत से वो शोक जो घबराया वल्लाह मजा आया। आँखों से मिली आँखें, पलकें यूं उठी जैसे छलके कोई पैमाना, नजरें यूं मिली जैसे छेड़े कोई अफसाना, सुलझी हुई जुल्फों ने इस दिल को जो उलझाया वल्लाह मजा आया। आँखों से मिली आँखें, अब किसको बताएं हम क्या हाल हमारा है। जाते हुए जालिम ने एक तीर समारा है, चेहरे से नकाब उसने चुपके से जो सरकाया वल्लाह मजा आया। आँखों से मिली आँखों, देखा है उन्हें जब से एक कैफ सा छाया है, फुर्सत में उन्हें गोया अल्लाह ने बनाया है। वो चांद का टुकड़ा जो कुछ सोच के शर्माया वल्लाह मजा आया। आँखों से मिली आँखें, दिल दिल से जो टकराया वल्लाह मजा आया, वल्लाह मजा वल्लाह मजा वल्लाह। मोहब्बत शर्म नहीं आती तुझे? आती तो है मगर इस नामुराद दिल को क्या करूं, जब से उन्हें देखा है मछली की तरह तड़प रहा है। अच्छा लेकिन वो है कौन? है एक गरीबों की आंखों का तारा मगर हुकूमत की नजरों में बगावत का शोला। पहेलियां की बुझवा रही हो, सासा क्यों नहीं बसती? दिल जानता है मगर जबान पर उसका नाम नहीं आता। बताती है या नहीं? बताती हूँ बताती हूँ, यहाँ हाथ रख कर देखिए। बदतमीज कहीं की, शहजादी बानो रात काफी जा चुकी है। हमें नींद नहीं आ रही गुलनार। मोहब्बत में यही होता है, इधर आप बेचैन हैं उधर वो तारे गिन रहा होगा। कौन जाने वो भी मेरी तरह तड़प रहा है या चैन की मीठी नींद सो रहा होगा। Thank you.
शहजादी साहिबा। क्या बात है कासम? महल में कुछ चोर आ घुसा है। चोर? जी हाँ, मैंने उसका पीछा किया मगर मालूम होता है कोई यही कहीं आकर छुप गया है। यहाँ कोई चोर नहीं आया, तुम जा सकते हो। कासम? मियाली शहजादी साहिबा। देखो हमें नींद आ रही है, अब कोई हमारी खाबगा में दाखिल ना हो। जो हुक्म। खतरा दूर हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। खतरे की परवाह होती तो यहाँ आता ही क्यों? आए हो यहाँ? चोरी करने। चोरी? ओ तो तुम चोर हो। चोर नहीं, डाकू। दूर हो जाए यहां से। हीरे और जवाहरात चुराने की शय नहीं होती। तो फिर? एक शहजादी ने गरीब की पूंजी लूट ली, वो वापस मांगने आया। मांगने से कुछ नहीं मिला करता। मैं छीन लिया करता हूं। छीनना कानून की नजरों में जुर्म है और मांगना इंसानियत की नजरों में जुर्म है। यही है तुम्हारी इंसानियत कि इतनी रात गए बगैर इजाजत किसी की ख्वाबगाह में चले आए हो। मैं इजाजत लेकर आया हूँ। किससे? हुस्न से। शमा परवाने को नहीं बुलाती मगर उसके रोशन होते ही परवाना खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला आता है। दीवाने मालूम होते हो। था नहीं, बना दिया गया। कौन है वो जिसने तुम्हें दीवाना बना दिया है? शहजादी हूर बहादुर। यूसुफ, चले जाओ यूसुफ। मेरे ख्यालात में बड़े जोर की आंधी आ रही है, मैं डरती हूँ कहीं। मोहब्बत करने वाले डरा नहीं करते शहजादी। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मगर मेरी रुसवाई का तो ख्याल करो। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। यूसुफ, यूसुफ कल इसी वक्त पाई बाग में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाने तुम्हारी आंखों में कौन सी चीज है जिसने मुझे। क्या है मेरी आंखों में बताओ ना यूसुफ। कुछ है जिसने मुझे तलवार फेंक कर इन रेशमी जुल्फों से खेलना सिखा दिया है। सच यूसुफ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हो सकते हो? इसका फैसला तो तुम्हारे हाथ में है। सोचता हूँ कहीं हमारी मोहब्बत की राह में हुकूमत का विकार और शाही तख्त ताज हायल ना हो जाए। ये नहीं हो सकता यूसुफ, मैं तुम्हारे लिए तख्त ताज ठुकरा दूंगी। मेरे सर के ताज तो तुम हो। हूर बानो। कोई आ रहा है, तुम जाओ यूसुफ, अब तुम जाओ। जो
लेकिन ये रुमाल इस हसीन मुलाकात की यादगार बनकर मेरे पास रहेगा। खुदा। ले गई छीन के दिल शोख तबीयत उनकी, ले गई छीन के दिल शोख तबीयत उनकी, सीने में दिल था, सीने में दिल था जहाँ है मोहब्बत उनकी, ले गई छीन के दिल। कहती है दिल तड़पेगा तड़पाएगा, जिंदगी कहती है दिल तड़पेगा तड़पाएगा, प्यार कहता है तड़पने में मजा आएगा, प्यार कहता है तड़पने में मजा आएगा। हम कभी लब पे न लाएंगे शिकायत उनकी, ले गई छीन के दिल। बंद कर लूं जो मैं पलके तो नजर आती है, बंद कर लूं जो मैं पलके तो नजर आती है, छेड़ कर हंसते हुए जो से कुछ और शरारत उनकी, ले गई छीन के दिल। उनके सदके में मिली प्यार की दुनिया हमको, उनके सदके में मिली प्यार की दुनिया हमको, देखे चुपके से वो अपनी तमन्ना हमको, देखे चुपके से वो अपनी तमन्ना हमको। हम न भूलेंगे कभी नजरें नायत उनकी, ले गई छीन के दिल शोख तबीयत उनकी, ले गई छीन के दिल। गुलाम पहले भी सुल्तान आली की खिदमत में अर्ज कर चुका है कि बागी यूसुफ कानून का मजाक उड़ा रहा है। क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि रियाया का एक मामूली फर्द उसका मजाक उड़ाए? हुकूमत खुद बागी की हौसला अफजाई कर रही है आलीजा। तुम्हारा मतलब? एक बार वजीर आजम ने मुजरिम की पुष्ट पनाही की और दूसरी बार। दूसरी बार क्या हुआ, जवाब दो। दूसरी बार शहजादी हूर बानो ने सुल्तान आली बागी को फौरन गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश किया जाए। यूसुफ इस वक्त कहां से आ रहा है बेटा? मैं जरा शहर चला गया था बाबा। शहर गया था तो मछलियां लेकर क्यों नहीं गया? मछलियां ले जाने का ख्याल नहीं रहा बाबा। कहां रहता है तेरा ख्याल, क्या हो गया है तुझे, जब देखो खोया खोया सा रहता है। जख्म कहां से खाया बेटा? ये जख्म बाबा मैं बताऊं बाबा, आज फिर। हाँ बता, चुप क्यों हो गया? आज फिर शाही प्यादों से झड़प हो गई थी। शाही प्यादों से झड़प? तू पागल तो नहीं हो गया? हर वक्त लड़ाई, हर दम झगड़ा। मैं खामखा किसी से नहीं झगड़ता, लेकिन जब कोई ताकतवर किसी कमजोर पर जुल्म करे तो मेरा खून खौल उठता है। इस खून को खाक में ना मिला बेटा, ये वतन की अमानत है। आज तेरी माँ जिंदा होती तो आठ आठ आंसू रोती, लेकिन तूने ना उसकी सुनी ना मेरी सुनता है। मैं फिर कहता हूँ बेटा, कानून से उलझना ठीक नहीं, वरना हुकूमत तुझे बागी समझने लगेगी। ये गलत है अब्बा हुजूर, कासम अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठा रहा है, रियाया उसके जुल्म से तंग आ चुकी है,
सरकशों पर सख्ती न की जाए तो हुकूमत का वकार कायम नहीं रहता बेटी। हुकूमत का वकार अदल इंसाफ से कायम होता है अब्बा हुजूर, जुल्म और ताकत से नहीं। कासिम ने एक अंधे फकीर पर बिला वजह कोड़े बरसाए, वो बर्दाश्त न कर सका और कासिम से उलझ पड़ा। अगर हुकूमत की नजरों में इंसानी हमदर्दी भी जुर्म है तो हमने उसे माफ करके जरूर गलती की है। ये गलती नहीं बेटा, बहुत बड़ा जुर्म है। कहाँ शहजादी हूर बानो और कहाँ एक गरीब मछेरा। क्यों बाबा, क्या गरीबों को मोहब्बत करने का भी हक नहीं है? झोपड़ों में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखा करते बेटा? झोपड़ों में रहने वाले ही तो महलों के ख्वाब देखते हैं बाबा, महलों में रहने वालों को तो नींद ही नहीं आती। मगर ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होते बाबा। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, हट जाओ बाबा, बाबा ले चलो इसे। बाबा बाबा, वो यूसुफ को लेकर बेटा। अजरा तुम जल्दी जाकर हकीम साहब को बुला ला। बाबा चाहते हैं शहजादी हूर बानो की सालगिरह पर उसकी शादी का फर्ज भी अदा कर दें। तुम्हारा क्या ख्याल है वजीर आजम? बजाय साज हुआ आलम पना। तो फिर तमाम दोस्त मुल्कों को दावतनामे भिजवा दो और लिख दो कि शहजादे अपने तहायफ लेकर आए ताकि रस्म के मुताबिक शहजादी का बर चुन लिया जाए। जो हुक्म आली जा। अब मेरी सजा पूरी हो चुकी? नहीं, मगर एक शर्त पे आजाद किया जाता है। तुम्हें शहर निगारा जाकर शहजादी हूर बानो से शादी करनी होगी। ये नहीं हो सकता, तुम जानते हो मुझे सबज परी से प्यार है, मैं अपनी आरजू का खून नहीं कर सकता। तुम्हारी आरजू जरूर पूरी होगी,
हूर बानो से शादी के बाद जल्दी एक लड़का पैदा होगा। जब वो 7 बरस का हो जाए उसे मेरे हवाले करना होगा। उस शहजादे के बदले में सब्ज परी तुम्हें मिल जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन हूर बानो की शादी मुझसे क्यों कर हो सकती है? इसका इंतजाम भी कर दिया जाएगा। जाने से पहले तुम्हें एक ऐसा इल्म दिया जाएगा जिसके जरिए तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस मरे हुए शाम के देखो सरातियन नजीबोनी ये तहूफी मरकम बाकल बलंद जोगी कर्सली हजार दास्तां। देखा तुमने, एक जिंदा इंसान मर गया और मुर्दा शाम जिंदा हो गया। क्यों डर गए? डरो नहीं जलाल, मैं जानता हूं तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बरसों अपनी कैद में रखा है। तुम्हारी नफरत सच्ची है, मगर तुमने देख लिया तलवार से सिर्फ जिस्म काटा जा सकता है, रूह नहीं। तुमने सांप पर पार किया तो मेरी रूह अपने असल कालम में वापस लौट आई। अब मैं अपनी रूह को सांप के वजूद में नहीं ले जा सकता, इसलिए कि तुमने उसके टुकड़े कर दिए। याद रखो, इस इलम के जरिए अपनी रूह को किसी मुर्दा वजूद में दाखिल करने के लिए उस वजूद का साबित व सालिम होना बहुत जरूरी है। समझ गए? समझ गया। तो फिर कहो सरातियन नजीबूनी, सरातियन नजीबूनी, ईतहूफी, ईतहूफी, बमरकम बहकल वहा, बमरकम बहकल वहा, बुलंद जोगी कलसरी, बुलंद जोगी कलसरी, हजार दास्तान, हजार दास्तान, इसे 1000 बार दोहराओ। मैं तो इंसान हो गया। ए जादूगर भाई, क्या वाकई मुझे आजाद कर दिया देखभाल के? हाँ, क्योंकि तुम शहर निगारा के बाशिंदे हो, इसलिए तुम्हें भी जलाल के हमरा जाना होगा, ताकि वक्त पड़ने पर तुम उसके काम आ सको। तेरा शुक्र है, मैं मुद्दत के बाद अपने वतन की सूरत देखूंगा, लेकिन मुझे फिर तो वापस नहीं आना पड़ेगा देखभाल के। ये तुम्हारी मर्जी पे मुनसर है, जलाल कामयाब लौटा तो तुम्हें भी माला माल कर दिया जाएगा। नहीं भाई, मुझे माल की जरूरत नहीं, मुझे तो अपनी खाल की जरूरत है। देखना भूख बड़ी लगी है, कुछ भुनुआ हुआ मंगा दीजिए। ये मुद्दत से कच्चा गोश्त खा खा के मेरे मुंह से बू आने लग गई थे एक बार के। और मेरे साथ क्यों जलाल, इल्म याद हो गया? जी जी हाँ। शाबाश, कमाल तुम्हें शाही महल तक पहुंचा देगा। महल के जुनूबी गोशे में एक तहखाना है, तुम्हें अपना तमाम अमल वही अंजाम देना होगा, लेकिन बड़ी एहतियात होशियारी के साथ, समझे? जाओ, अब तुम अपने सफर पर रवाना हो जाओ। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह, उस मनहूस सफर से जान छूटी और यहाँ आदमजादों की सूरत तो नजर आई देखभाल के। तुम्हारी आंखें हैं या आलू बुखारे? अरे अनारदाने, तुझे ये खूबसूरत आंखें आलू बुखारा दिखाई देती हैं? आलू बुखारे नहीं तो और क्या, सारा कावा बखेर दिया है, ऊपर से आंखें निकालते हो। जबान संभाल कर बात करो, तुम नहीं जानते हम कौन हैं और कहाँ से हैं और किधर से आए। मालूम होता है आसमान से टपके हो और खजूर में अटकने की बजाय सीधे मेरे ऊपर आन गिरे। अरे टपके के, अगर मैं तेरे ऊपर आन गिरता तो तेरा कछूबर न निकल जाता देखभाल के। अबे जा जा, बड़ा आया कचूमर निकालने वाला। अच्छा तो ये बात है। हाँ। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। छोड़ दो इसे।
देसी मालूम होते हो, वरना इस शीशे के साथ तुम्हारी गर्दन भी तन से जुदा हो चुकी है। यह तलवार सिर्फ शीशा ही काट सकती है, अगर हिम्मत है तो इस तलवार की धार आजमा कर देखो। मुसाफिरों पर हाथ उठाना हम अपनी तौहीन समझते। मुसाफिर कहकर अपना दामन न बचाओ, मेरी मंजिल आ चुकी है। तो आम को आगाह किया जाता है कि कल शहजादी हूर बानो की सालगिरह पर तमाम इस्लामी मुल्कों के शहजादे अपने अपने तोहफे पेश करेंगे। जिस शहजादे का तोहफा शहजादी आलिया कबूल कर लेंगी, वही शहजादी आलिया का बर समझा जाएगा। मैं ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी मिसाल दुनिया का कोई शहजादा पेश ना कर सकेगा। कुछ समझ में नहीं आता अलादीना, क्या किया जाए। आज शहजादी कुर्बानो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। आज मेरे पास तिलिस्मी चराग होता, तुम्हें वो तोहफा देता, वो तोहफा देता कि बस कुछ ना पूछो। बस बस बंद करो, तुम कोई तरकीब सोचो। तरकीब? अबे क्या मिल गया किसी बौने की औलाद? तोहफा मिल गया उस्ताद। तोहफा? बिल्कुल तोहफा, जन्नत का तोहफा, अल्लाह मियां का भेजा हुआ खास तोहफा। कहाँ है? वो देखो। अबे ये तो यमन का शहजादा है, शहजादी के उम्मीदवारों में एक टमाटर ये भी। बस तो इस टमाटर की चटनी बना डालो उस्ताद, देखो इसकी सूरत तुमसे कितनी मिलती है। बन गया काम। अरे
सुल्तान याली, तमाम मेहमान शहजादे तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें अपने तहायफ पेश करने की इजाजत मरहमत फरमाई जाए। इजाजत है? शहजादे सल्तनत मिस्र, शहजादे मुल्क शाम, शहजादा दौलत इराक। जिद न कीजिए शहजादी बानो, कोई ना कोई तोहफा तो आपको पसंद करना ही होगा। एक नजर देखिए तो सही, तोहफे दिल से पसंद किए जाते हैं गुलनार, नजरों से नहीं। और मैंने जिस मोती को पसंद किया है वो न जाने कहाँ खो गया है। शहजादा हुकूमत यमन, अगर आपने कोई तोहफा पसंद ना किया तो सुल्तान आली नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो नाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लगा दो इस तोहफे को। सुल्तान आली से कह दो शहजादी हूरबानों को ये तोहफा पसंद है। गहरी मछली और रेशमी रुमाल, हम जानना चाहते हैं कि यह अजीब और गरीब तोहफा किसने पेश किया है। ये हकीर नजराना गुलाम की पेशकश है अलीजा। मुबारक हो शहजादा विलायत यमन, आपका तोहफा शहजादी ने पसंद कर लिया है। गुलाम इस कदर अफजाई का तहे दिल से शुक्रगुजार है अलीजा। वजीर आजम, सुल्तान मुअज्जम, शहर में ऐलान करवा दो कि कल शहजादी हूर बानो की रस्म शादी अदा की जाएगी। जो हुक्म अलीजा। और सुल्तान अपने पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा देखभाल के। चुपचाप देखते जाओ, शहजादी हूर बानो मेरे सिवा और किसी की ना हो सकेगी। हूर, वाकई हूर, जन्नत की हूर, जितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर पाया। देखा तो दिल मसरूर हो गया और आपका पैगाम मिलते ही खादिम मिलने के लिए मजबूर हो गए। कौन है तुम? गुलाम यमन का शहजादा यानी के वली अहद। यमन का वली अहद? तो वो तोहफा खादसार ने पेश किया, पसंद का शुक्रिया। लेकिन वो रुमाल तुम्हें कहाँ से मिला? वो रुमाल तो मेरे एक हकीर गुलाम का था, मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया और एक सुनहरी मछली के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मैंने सुना था शहजादी हूर बानो को मछलियाँ और मछेरे बहुत पसंद है। तुम भटकते हो, दूर हो जाओ यहाँ से। ओ, शहजादी साहिबा नाराज हो गई। ये जनाना बाकी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, सुल्तान आली मुझे अपने गुलामी में कबूल कर चुके हैं और आप भी। बेअदब। बेअदब जरूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं। ये भी हाजिर खिदमत। सुनो भाई,
ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरा तुम्हारे खौफ के दम घुटा जा रहा है देखभाल के। बोल दिल न बनो। यहाँ कुछ देर के लिए मेरा मुर्दा वजूद तुम्हारे पास रहेगा। हाँ? मुर्दा वजूद यानी कि तुम मर जाओगे? हाँ है? और तुम्हें मेरी लाश की हिफाजत करना होगा। बस तो मर गए देखभाल के। जल तू जलाल तू, कुदरत तू कमाल तू, और आई बला को टाल तू देखभाल के। फजूल बकबक ना करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ये देखो मैं चला। सरात ये नजीब भूमि ईता हूफी बमरकम बहकुल वहा बुलंद जोगी करकरी हजार साल। सुल्तान आलम अहले दरबार हुक्म आली के मुंतजर है, निकाह की इजाजत दी जाए। क्या सोच रहे हैं सुल्तान आली? हम सोच रहे हैं हूर बानो की जुदाई क्यों कर बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी है आलम बना, तुम्हारी है। फरियाद है सुल्तान आली। कौन है ये गुस्ताख जिसे इस छुलिये में हमारे हुजूर आने की जरूरत हुई? मुझे आपके रियासत में लूट लिया गया, मुझ पर जुल्म हुआ है सुल्तान आली। मैं मुल्के यमन का वली है। तुम मुल्के यमन का वली है? Thank you.
यूसुफ, तुम्हारे बाबा की हालत बहुत नाजुक है। अच्छा, तुम इसे सहारा दो। अलादीन। बाबा। यूसुफ। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं मरने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता था। बाबा, ये आवाजें कैसी बेटा? बाबा, शाही प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं। वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं बेटा। नहीं, भाग जाओ यूसुफ, भाग जाओ। मगर बाबा, आपको इस हाल में छोड़कर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बाबा। मेरी आखिरी मंजिल आ चुकी है बाबा, मगर तुम्हें अभी जिंदगी का लंबा सफर तय करना है बाबा। वो आ गए, भाग जाओ यूसुफ, भाग जाओ। मगर मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं बाबा? जिद न करो मेरे बच्चे, एक गरीब मछेरे के लिए अपना शाही खून खाक में न मिलाओ। शाही खून? आ यूसुफ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं बेटा। 30 बरस हुए जब मैंने तुम्हें दरिया में बहते हुए पाया था। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। ये लिबास तुम्हारे बदन पर था और ये तावीज तुम्हारे गले में। तुम किसी ऊंचे खानदान के चश्मो चराग हो बेटा। अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो बाबा, तुम्हें छोड़कर मैं कहां चला जाऊं? रुक क्यों गए? इसलिए कि तुम जान चुके हो यूसुफ तुम्हारा बेटा है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक बागी है और तुम रियासत के वजीर आजम। आसिम, भागने की कोशिश ना करो। जाने वाले को खून नहीं रोक सकते बाबा। गिरफ्तार कर रहे इसे बाबा। बाबा, ले जाओ ले जाओ। मुझे माफ कर देना मेरे मोहसिन, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को अपना लहू पिला पिला कर पाला, लेकिन मैं तुम्हारा न दे सका। शुक्रिया के दो बोल भी तुमसे न कह सका मेरे दोस्त। मेरे बच्चे, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। 20 बरस के बाद तुझे देखा भी तो एक बागी के रूप में। आह गुलामी, तू कितनी बड़ी लानत है। तो एक बाप के हाथों बेटे को फौलादी जंजीरें पहनवाती। ये फौलादी जंजीरें तो बहादुरों का जेवर होती हैं, इसीलिए बुजदिलों की तरह फरार हो गए। शायद तुम नहीं जानते थे कि हमारे सिपाहियों के पंजे से बच निकलना नामुमकिन है। मुझे अपने मोहसिन की लाश के बेगौर कफन रह जाने का ख्याल ना होता तो ये सिपाही क्या पूरा लश्कर भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता था। लेकिन अब तुम गिरफ्तार हो चुके हो और एक जलील कैदी की तरह हमारे सामने सर झुकाए खड़े हो। यह सर आज तक सिवाय अपने खुदा के किसी के आगे नहीं झुका। यह सर काट दिया जाएगा जो कानून से सरकशी पर आमादा है। कानून का लबादा ओढ़कर इतने फिरौन न बनो सुल्तान कि गरीबों के आंसू बगावत का शोला बनकर तुम्हारी झूठी शान शौकत को आग लगा दे। खामोश कुत्ता।
तुम्हारी गुफ्तगू से बगावत की बू आ रही है। मैंने बगावत नहीं, मोहब्बत की। मोहब्बत किससे? गरीबों, कमजोरों, मोहताजों और यतीमों से, और कभी कभी उन सबको बचाने के लिए मौत से भी। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। कल सूरज निकलते ही इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मेरा हम कानून हवाले कर रहा है, ये कैसे हो सका तुमसे? किस दिल से किया तुमने? तुम कैसे बाप हो? मैं बाप ही नहीं बेगम, सल्तनत का वजीर आजम। छोड़ दो ऐसी वजारत को, आग लगा दो ऐसी शान शौकत को, फूंक दो इन महलों को जहाँ एक जईफ माँ अपने जवान बेटे के लिए तड़प रही है। बेगम, कानून सबके लिए यकसां है। हम कानून से टक्कर नहीं ले सकते, मगर उससे रहम की इल्तिजा जरूर कर सकते। कुछ भी करो सरताज, मेरे बच्चे को ला दो, मेरा बेटा मुझे ला दो। वो बागी नहीं अब्बा हुजूर, वो तो उस तलवार से टकराता है जो सिर्फ कमजोरों के खिलाफ उठती है। वो हुकूमत के झूठे वकार और अंधे कानून का मुखालिफ है। कानून हमेशा अंधा होता है, सिर्फ गरीबों के लिए। मगर गरीबों को भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना अमीरों को। अमीर हो या गरीब, जो हमारे कानून से उलझेगा हम उसे कुचल डालेंगे। लेकिन अब्बा हुजूर, बार बार अब्बा कहकर हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश न करो। तुम जज्बाती हो रही हो, मगर हुकूमत के फैसले अक्ल की रोशनी में किए जाते हैं। और कुछ कहना है तुम्हें? कहना था मगर अब्बा हुजूर से, सुल्ताने आली से नहीं। अगर तुम सुल्तान बने रहे तो हूरबानों से शादी नहीं कर सकते। दरबान, सुनो, सुबह जब तक हम खुद ना बुलाएं कोई हमारी ख्वाबगाह में दाखिल ना हो। जो हुक्म आले जा। कमाल बेटा, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो जल्दी यहां से एक दो तीन हो जा एक बार के। आप आगे जा रहे हो, ये बताओ पहले कि तुम मुर्दा हो कि जिंदा हो? अरे भाई मैं जिंदा हूँ। जिंदा जिंदा हूँ, वाकई जिंदा। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हारे कफन दफन का बंदोबस्त करने जा रहा था। ऐसी गलती कभी ना करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो क्या फिर मरने का इरादा है? नहीं। हाँ, अब तुम्हें मरना होगा। मुझे मरना होगा? नहीं नहीं, मुझे मौत का राज नहीं चाहिए। मुझे तो जिंदगी से प्यार है, और 11 बच्चों के साथ एक प्यारी सी बीवी। बीवी, बच्चे, इज्जत, दौलत, तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें मरकर सुल्तान बनना पड़ेगा। मैं सुल्तान बन जाऊंगा? क्या वाकई ये मुमकिन है? क्यों नहीं। हाँ, इसमें पढ़ते ही तुम्हारे अंदर ये कुव्वत आ जाएगी। मरने के बाद तुम अपनी रूह को सुल्तान के मुर्दा जिस्म में ले जाना, सुल्तान जी उठेगा, और इस तरह तुम मेरी शादी शहजादी हूरबानों से करा सको। तो फिर जल्दी बताओ भाई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दो घड़ी हम भी सुल्तानी की मदद चख लें देखभाल के। तो फिर गौर से सुनो। हाँ। और अच्छी तरह याद रखना। हाँ, सुनाइए। सरातियन अजीबूनी ईताहूफी बमरकम बहक्कल वहा। कहो कहो। शरारतन चमूनी। ओहो, शरारतन चमूनी नहीं, सरातियन अजीबूनी। सरातियन अजीबूनी ईताहूफी। ईताहूफी बमरकम। ए, हाँ बोलो। हाँ, शराबन कबूली, गीता कपूली, रीता ऊंटनी। तुम्हारा सर। ये नहीं आपने बताया था? सारी रात तोते की तरह पढ़ाते गुजर गए, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। जलाल भाई, एक मरतबा और बता दो, अब नहीं भूलूंगा। ओहो,
अगर सुल्तान की मैयत दफना दी गई तो मेरे लिए शहजादी हूर बानो को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ शहजादी साहिबा, आपके रोने से सुल्तान मरहूम की रूह को तकलीफ होगी। मेरे ख्याल में इस हादसे की इतला वजीरे आजम को कर देनी चाहिए। ये क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों जमा हो? किसकी इजाजत तैयार हो हमारी ख्वाबगाह में देखभाल के? अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अब्बा हुजूर, आप जिंदा हैं? इसमें क्या शक है, हम तो सो रहे थे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुल्ताने आली, हम सब तो हुजूर को मुर्दा समझ बैठे थे। देख भाग के गुस्ताखी माफ आली जा, सुल्ताने मुअज्जम की नब्जें छूट चुकी थी और दिल की धड़कन भी। तुम कौन हो? गुलाम शाही हकीम है आली जा। तुम हकीम नहीं गधे हो, हिकमत करने की बजाय घास खाते रहे हो। देख भाग के हकीम साहब ठीक कहते हैं अब्बा हुजूर। बिल्कुल गलत, हम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, अभी तो हमें बहुत से जरूरी काम करने हैं देखभाल के। हमें इस वक्त तखलिया चाहिए। तमिल हो एक कनिष्ठ, क्या हुक्म है सुल्ताने आलम? हुक्म नहीं, अर्ज है, गुजारिश है, गर कबूल उफ्तद है इज्जो शरफ। या अल्लाह, लौंडी को कांटों में न घसीटिए आलम पना। हम तुम्हें फूलों की सेज पर बिठाएंगे, अपने दिल की मलेका बनाएंगे देखभाल के। आने जा। आओ हमारे सीने से लग जाओ। अरे होश करो कनीज बदतमीज, ये तुम्हें क्या हो गया है? हमने कोई बुरी बात तो नहीं की? अरे खुदा के वास्ते होश में आ जाओ। ला हौल वला कुव्वत, सोचा था सुल्तान बन के चार दिन मजे उड़ाऊंगा और यहाँ उल्टी मुसीबत गले पड़ गई, अब क्या करूं? अरे लौंडी साहिबा, अरे खुदा के वास्ते कुछ तो बोलो। बेहोश हो या मुल्क अदम को सिधार चुकी हो देखभाल के? परवरदिगार आलम, कहीं इसे जिंदा करने के लिए मुझे एक बार फिर ना मरना पड़ जाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या इलाही, ये महल है या जादू नगरी? सुल्तान आलिया, क्या हुआ बुलाए? सुल्तान आली अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैसे कहूँ, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाऊंगा। गुलनार, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे मुंह में खाक, यूं लगता है जैसे सुल्तान आलम का दिमाग चल गया। रक्स आली जा? हाँ हाँ, रक्स नाच और गाना। कानों में रुई ठोस रखी है क्या देखभाल के? सुल्ताने आली, बहुत से मुकदमात। मुकदमात बाद में पेचोगे, पहले माँ बदौलत रक्स देखेंगे। गुस्ताखी माफ आलमपना, आज से पहले हजूर ने दरबार में कभी रक्स नहीं देखा। आज से पहले हम सुल्तान भी नहीं थे। हमारा मतलब है
हम इतने खुश कभी नहीं हुए थे जितने कि आज है। आज तो यूं मालूम होता है जैसे चींटियों के भी पर निकल आए हैं और वो हवा में उड़ती फिर रही हैं। ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। आज हम किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी के रोके से नहीं रुकेंगे। आज तो हमारा भी दिल नाचने को चाहता है देखभाल के। हैं? गुस्सा हो, बदतमीज हो, बेवकूफों की तरह हमारा मुंह क्या तक रहे हो? तमिल आने आली, गुलाम अब वजारत उज़्मा का बोझ नहीं उठा सकता।
इसलिए हजूर की बख्शी हुई ये तलवार वापस करता। तुम समझते हो एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यह तुम्हारी भूल है वजीर आजम। इधर लाओ तलवार। हमारी म्यान में दो तो क्या, दस तलवारें समा सकती है देखभाल के। और कुछ देना चाहते हो? नहीं सुल्तान आली, कुछ लेना चाहता हूँ। मांगो क्या मांगते हो, आज हमारे हाथ से कोई जिंदा बचकर नहीं। नहीं नहीं, आज हमारे दरबार से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाएगा। तो आली जा, मेरी उम्र भर की खिदमात के सिले में मेरे लख्त जिगर की जान बख्श दीजिए। लख्त जिगर, दर्द कमर, जख्म नजर, इस शायरी का मतलब क्या है? मगर ये शायरी नहीं सुल्तान है आली, एक बाप के दुखी दिल की पुकार, जिस नौजवान को बागी करार देकर सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है वो मेरा इकलौता बेटा यूसुफ। हमने किसी बागी को मौत की सजा नहीं दी। वो हुक्म सुल्तान वक्त ने दिया था, और सुल्तान वक्त अपना हुक्म वापस नहीं लिया करते। चलो भाई, तुम्हारा वक्त आ गया। वक्त की बात है आलमपना, आज से 20 बरस पहले मेरा मासूम बच्चा दरिया में डूब गया था। मैं अपने अकलौते बेटे की याद में तड़पता रहा, और वो एक मछेरे के झोंपड़े में परवरिश पाता रहा। 20 बरस बाद जब मेरा गुमशुदा लाल मुझे मिला, तो तकदीर ने मेरे रास्ते में कानून की ऊंची दीवार खड़ी कर दी। एक तरफ मेरे दिल का टुकड़ा था, और दूसरी तरफ फर्ज की तलवार। मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट डाला, मगर फर्ज का सर नीचा नहीं होने दी। बागी यूसुफ तुम्हारा बेटा है? हाँ अलीजा, आप वादा कर चुके हैं आज हजूर के दरबार से कोई सवाली खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे मेरे बेटे की भीख दे दीजिए, यूसुफ के बाद मेरे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। हम तुम्हारे नामो निशान के लिए अपने इंसाफ का और अपने जाहो जलाल का खून नहीं कर सकते। सुल्तान आली, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाइए, एक बदनसीब माँ की आंखों का नूर न छीनिए। मैंने बरसों अपने सीने पर सबर का पत्थर रखा है, मगर अब मैं अपने यूसुफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपको अपने शाही जाह जनाल का वास्ता, आपको परवरदिगारे दो आलम का वास्ता, आपको सरकार मदीना का वास्ता, मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए। बस करो माँ, तुम्हारी फरियाद से हमारा दिल हिला दिया है, तुम्हारे दर्द भरे अल्फाज ने हमारा सीना छलने छलने कर दिया है देखभाल के। सुल्तान आलम, जब रहो गुस्सा, सुना नहीं माँ के कदमों में जन्नत होती है? हम इस जन्नत के लिए एक बागी तो क्या, हुकूमत के सारे बागियों को माफ कर सकते हैं देखभाल के। रुक जाओ जल्लाद, बागी को दरबार में तलब किया गया है। यूसुफ, जानते हो हमने तुम्हें क्यों तलब किया है देखभाल के? जुर्मे मोहब्बत की सजा देने के लिए? नहीं, बल्कि माँ का प्यार देने के लिए। माँ का प्यार? मैं आपका मतलब नहीं समझा अलीजा। मैं समझाता हूँ। वजीर आजम की तरफ देखो, जिनका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। तुम बचपन में इनसे बिछड़कर दरिया में डूब गए थे। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। 20 बरस हुए जब मैंने तुम्हें दरिया में बहते हुए पाया था बेटा। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। अब्बा जी, बेटा। और इस बूढ़ी औरत की तरफ देखो, ये तुम्हारी माँ है। माँ, झुक जाओ इसके कदमों में देखभाल के। माँ, बेटा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। इस खुशी को दोबारा बल्कि फिर वाला करने के लिए माँ बदौलत शहजादी हूर बानो के साथ शहरे निगारा का तख्तो ताज भी तुम्हारे हवाले करते हैं देखभाल के।
सुल्तान यूसुफ शहजादी हूर बानो दुख्तरे नेक अख्तर सुल्तान आली मकाम वालिये तख्तो ताज हाक में शहरे निगारा बइज 10 लाख तिलाई मोहरे हक के मेहर आपके निकाह में दी जाती हैं आपको कबूल है जी जी नहीं बरखुरदार पूरा कहिए मैंने कबूल की मैंने कबूल की मुबारक हो आलीजा मुबारक हो सुल्तान आली मुबारक हो सुल्तान आली खुदावंद आलम दोनों को शाद और बामुराद रखे देखभाल के शहजादी हूर बानो को शादी मुबारक हो शर्म से लब खामोश और हया से पलके बोझल है मगर दिल में खुशियों के अनार छूट रहे हैं में नहीं आ सकती देखभाल के कोई है दरबार पहरेदार गिरफ्तार कर लो इस शैतान को बदस्तूर सुल्तान बने रहो बेवकूफ और जी भरकर जिंदगी के मजे लूटो देखभाल के नहीं नहीं मैं चंद रोजा ऐश के लिए सच्चाई पे पर्दा नहीं डाल सकता देखभाल सुल्तान आली ने गुलाम को याद फरमाया है नहीं एक गुलाम ने अपने आका को तकलीफ दी है देखभाल के ये हुजूर क्या फरमा रहे हैं बैठ जाओ यूसुफ देखभाल के आली जा डरो नहीं मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं असली सुल्तान नहीं हूँ आप असली सुल्तान नहीं हैं सुल्तान आली मर चुके हैं यूं आंखें फाड़ फाड़ कर न देखो मुझे मैं कोई पागल नहीं हूं ये एक गहरा राज है राज हाँ वो कमीना जलाल सामरी जादूगर का आदमी है वही जलाल जिससे तुम्हारी कहवा खाने में झड़प हुई थी वो शहजादी हूर बानो से शादी करना चाहता था देखभाल के अच्छा
तो ये बात है। हाँ, अगर तुम्हें अब भी यकीन न हो तो ये लो शाही मोहर और अपनी आंखों से देखो, अब सुल्तान हमेशा के लिए मर जाएगा देखभाल के। सिरातिन नजीबूनी मंगलकम अकुल्ला। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सुल्तान बनकर भी मैं गुमराह ना हुआ। एक दिन के सुल्तान अब मुझसे बचकर कहां जाएगा? अरे उसे पकड़ो, असल मुजरिम जलाल है, उसे पकड़ो, मुझे छोड़ दो। अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, देखता ले जाए कमबख्त। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, मैं कहता हूँ असली मुजरिम वो है, उसका पीछे करो देखभाल से। कौन हो तुम? अरे सब कुछ भूल गए देखभाल के। मैं कमाल हूँ, अभी अभी तो शाही मोहर देकर गया हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जलाल फरार हो गया यूसुफ, उसकी गिरफ्तारी नहायत जरूरी है। जाओ पीछा करो उसका, जाओ पीछा करो उसका, चलो। अब इस गम को भूल जाओ कुर्बानो, और शुक्रिया अदा करो इस नौजवान का जिसने सुल्तान मरहूम की मैयत को खार होने से बचा लिया। मुझे शर्मिंदा ना करो यूसुफ भाई, देखभाल के हम दोनों को मिलाने का सेहरा भी इन्हीं के सर है। कहो कासिम, हाथ आया हो मक्का? नहीं हुजूर अली, मैंने शहर का कोना कोना छान मारा मगर जलाल का कहीं पता नहीं चला। नालायक हो तुम, आज से तुम्हारा ओहदा कमाल संभालेगा। कमाल, आली हुकुम, आली जा, छीन लो इसकी तलवार और धक्के देकर यहां से निकाल दो। अब चलते फिरते नजर आओ देखभाल के। अबे चुप हो जाओ लू के, तुम फाकता नहीं तो कर दूंगा तेरा नाश्ता। मैंने कहा ये किसका बच्चा खिला रहे हो? गधी का। हाय अल्लाह, अरे अपनी किस्मत में इंसानी बच्चा कहाँ। शर्म तो नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे शर्म तो मुझे उस वक्त आती है जब शहजादी हूरबानो को अपनी गोद में एक नन्ना मुन्ना सा टोल मटोल बच्चा खिलाते हुए देखता हूँ। हाय अल्लाह, इतनी बेसब्री भी किस काम की? सब्र की भी हद होती है गुलनार, अगर तुम इतनी कंजूस न होती तो आज हमारी गोद में भी एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता और उसे लोरी दे के सुलाते होते। Yeah.
जा राज दुलारे, जागे माँ का प्यार, चैन से सो जा राज दुलारे, अपने लाल पे मारी जाए ममता सा सावार, चैन से सो जा राज दुलारे। राज दुलारे अपने वतन की शान बने तू, अपने वतन की शान बने तू, अल्लाह का फरमान बने तू, काफिर राज दुलारे। राज दुलारे, जागे माँ का प्यार, चैन से सो जा राज दुलारे। आज शहजादा पूरे 7 बरस का हो चुका है। Thank you.
मेरा बच्चा गुलनार। शहजादी साहिबा, हमारा शहजादा कहाँ है? आप ही के साथ सोया हुआ था, यहाँ तो नहीं है। मेरे अरमानों के खजाने की कुंजी, त्रिस्तनी हीरे का मालिक। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब सब परी मेरे हवाले की जाए। बेवकूफ इंसान, जादूगर अपना वादा कभी पूरा नहीं किया करते। जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे, शहजादे को नहीं ले जा सकते। ओके बाद बेईमान, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो सकोगे। हिम्मत से काम लो बेटी, शहजादे की तलाश जारी है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद भरी रहेगी। लाए मेरे चाँद को। नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला? आप भी खाली हाथ आए। दिल छोटा ना करो मेरी शहजादी। कहो कमाल, कुछ सुराग नहीं मिला अलीजा? लेकिन अब मेरा शुबा यकीन से बदल गया है। शुबा? यकीन? आओ मेरे साथ। जल्दी बताओ कमाल, तुमने तो मुझे डरा दिया है। शहजादे को जलाल ले गया है देखभाल के। जलाल? हाँ, वो उसे जादूगर सामरी के पास ले गया होगा। जादूगर सामरी के पास? मगर क्यों? आपसे इंतकाम लेने के लिए। लेकिन उसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं जादू नगरी से वाकिफ हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो हम शहजादे को लाने में जरूर कामयाब होंगे। मैं अपने बेटे की खातिर जादूगर तो क्या, दुनिया की हर ताकत से टकरा जाऊंगा। तुम चलने की तैयारी करो। जादू नगरी की सड़क शुरू होती है, अब जरा संभल के कदम उठाना देखभाल के। ओ, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मालूम होता है कोई बहुत खौफनाक तूफान आने वाला है। अभी तो न जाने क्या क्या देखोगे, अभी से डरने लगे देखभाल के। डर के मारे खुद कांप रहे हो, इल्जाम मेरे पर धरते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सर्दी से कांप रहा हूं। सब्जपरी की खिदमत में आदाब पेश करता है देखभाल के। अरे कमाल, तुम सामने की कैद से कब रिहा हुए? मुद्दत हुई, मगर इनकी खातिर एक बार फिर कुत्ता बनने के लिए यहाँ आ गया हूँ। ये कौन है? मेरे आका यूसुफ, शहरे निगारा के सुल्तान जलाल इनके मासूम शहजादों को उठाकर सामरी के पास ले आया है। ये जलाल ने अच्छा नहीं किया, मोहब्बत करने वाले दुख सहना जानते हैं।
पहुंचाना नहीं। मैं जलाल को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या आप हमारे कुछ मदद नहीं कर सकते? सामने का मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं। अलबत्ता जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगी। आज से आप मेरे मेहमान हैं। शुक्रिया। मेरा बच्चा तो मुझसे बिछड़ा ही था, डरती हूँ कहीं सुहाग में न लुट जाए। यूं ना कहिए शहजादी बानो, खुदा आपका सुहाग हमेशा कायम रखे। अब मुझसे सब्र नहीं होता, मेरा दम घुट जाएगा इस चार दीवारी में। मुझे यहाँ से ले चलो गुन्ना, ले चलो। कहाँ ले चलू शहजादी साहबा? मेरे लाल के पास, मेरे सरताज के पास। मैं उन्हें वापस लाऊंगी या खुद भी वहीं मर जाऊंगी। रो मत लड़के, तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला दूंगा, समझे? झूठ ना बोलो सामरी, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैं तुम्हारे धोखे में आ गया और एक बदनसीब माँ का दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में ला डाला। मुझे अपनी तबाही का गम नहीं लेकिन इसे वापस भिजवा दूं, और इस मासूम को कुछ हो गया तो खुदा का कहर टूट पड़ेगा तुम। ये जादू नगरी यहाँ सिर्फ मेरा राज। अच्छा एक बात बताओ, हम इतनी मुद्दत के बाद मिले हैं, क्या बात है तुम्हारी जवानी में जरा फर्क नहीं आया? परियां कभी बूढ़ी नहीं होती। हैं? तो मुझे भी पर लगवा दो ना। तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, मगर तुम बिल्कुल न डरना।
और आगे आगे बढ़ते चले जाना, यहाँ तक कि तुम्हें एक सुनहरी पात मिलेगा जिसकी चोंच से तुरस्मी हीरा है, वो हीरा लेकर मेरे पास चले आ। क्या तुम फिर मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? क्यों नहीं, मेरी मदद करना। चलो देर न करो, जाओ।
ख्वाबों की मलका, अब तुम हमेशा के लिए मेरी। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। ये देखो तुलसी मीरा। ओ, तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मेरा मकसद, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना तुम हो सबसे बड़ी। आओ मेरे सीने से लग जाओ। मैं हाजिर हूं, लेकिन पहले अपनी गुजरी हुई जवानी को तो आवाज दो। अभी लो। सामरी, अब तुमने अपने आप को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। ये तिलिस्मी हीरा नहीं, चमकदार पत्थर का एक बेकार टुकड़ा है। कौन कहता है ये तिलिस्मी हीरा नहीं? तुम्हारी शिकस्त, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारा मजाक उड़ा रहे। मुझे शैतान से टकरा जाने दो सब परी। जान बूझ कर खतरा मोड़ने लो यूसुफ। खतरे से डरने वाले घर की चार दीवारी में बैठते। मैं सर पर कसम बांध कर निकला हूँ, छोड़ दो मुझे यूसुफ। मैं अपने सामान को लेकर आऊँ। रुक जाओ यूसुफ। मेरे रास्ते से हट जाओ सतपरी। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो ये लो तिलिस्मी तलवार और शौक से अपनी किस्मत आजमाओ। तिलिस्मी तलवार? हाँ, जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी सामरी का कोई जादू भी तुम पर नहीं चल सकेगा। इस एहसान का शुक्रिया। वापसी में अदा करना। वापसी का हाल तो खुदा ही जाने। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कामयाब लौटना। अरे वो तो गया। आपने तो उन्हें तिलिस्मी तलवार दे दी और मैं इस तलवार से जाऊं? हाथ फेरो। हाँ? ये तो बाजरी है, इसका फायदा सारी के वास्ते, गुमराही के रास्ते। जल्दी खुपड़ी आ, आ, आ। हुक्म कीजिए मेरे आका। क्या ये हीरा नकली है? जवाब दो। यही तलस्मी हीरा है मेरे आका। तो फिर ये मेरा हुक्म क्यों नहीं मानता? ये सिर्फ शहजादे सुलेमान का गुलाम है। अगर कोई दूसरा इससे काम लेना चाहे तो इसको शहजादे के खून में डुबोना पड़ेगा। शहजादा सलमान का खून? मैं तिलस्मी हीरे को अपना गुलाम बनाने के लिए शहजादे के खून का आखिरी कतरा तक में छोड़ दूंगा। आपको मंजूर हो
दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। इसे बचाने के लिए एक जान तो क्या मैं हजार जाने कुर्बान कर सकता हूं। तुम्हारी कुर्बानी भी सलमान को मेरे चुंगल से नहीं बचा सकती। जब सबरी चाहते हो तो वापस लौट आओ। याद रखो, तुम सामरी से बचकर कहीं नहीं जा सकते। झूठे जादूगर, तुम्हारे सलूक ने मेरा जमीर बेदार कर दिया है। अब ये पत्थर की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। नहीं बेटे, अब ये शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालूम होता है तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ खींच लाई है। तुम अपनी फिक्र करो सामरी, तुम्हारे शैतानी कुव्वतों के फना होने का वक्त आ पहुंचा है। सामरी की हैबत से तो पहाड़ों के जिगर भी पानी हो जाते हैं नादान। मुझसे टकराने की कोशिश न करो। ये टक्कर जरूर होगी। जीत अंधेरे की होती है या उजाले की, इसका फैसला खुदा के हाथ है। सब्ज परी ने तुम्हें तिलस्मी तलवार देकर मेरे मुकाबले को भेजा है।
सलमान बेटा, वो देखो सामने तलस्मी हीरा रखा है, जाओ उसे जाकर उठा लो। जादू की ताकत से नहीं, ईमान की ताकत से मारना। Thank you.
जोर से दबाओ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हमें हमारा लाल मिल गया। ये तिलिस्मी हीरा तुम्हें मुबारक। आज से तुम आजाद हो। वो लोग भी अपने वतन को जा रहे हैं। तो चलो हम उनको विदा कर रहे हैं। चलो